दोस्तों, मैं सरफराज। आज मैं टाटा जेस्ट का डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ। इसका कूलिंग कॉइल चेंज करना है। चलिए आपको दिखाते हैं एक एक प्रोसेस डैशबोर्ड खोलने का। स्टेयरिंग का खोलना है ये दोनों वाला बोल्ट, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये वाला बोल्ट खोलना है, नीचे ये कोपलिंग वाला बोल खोल लेना है आपको। ये स्टेयरिंग मॉड्यूल होता है यहाँ पे, उसको खोल के अलग कर देना है। इसको पूरा असेंबली बाहर करना है स्टेयरिंग कॉलम को। आगे मैंने मीटर वीटर खोल लिया हूँ और आपको ये ऑडियो सिस्टम का पूरा कंसोल खोल लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सब नट बोल्ट, नट एक रहती है 12 नंबर की, बाकी सब स्क्रू वस्क्रू खोल रहा हूँ। यहाँ पे एक स्पीकर रहती है वो खोल दिया हूँ मैंने, ठीक है। एक स्क्रू यहाँ पे है, यहाँ देखा ही नहीं है, कोई खोल दिया। और खोलो धीरे धीरे, मजाक नहीं करो। कॉलम भी खोल दिया भाई। स्टीयरिंग भैया, हाँ स्टीयरिंग कॉलम निकालो। जी निकाल दिए। स्टेयरिंग कॉलम बढ़िया से आराम से धीरे धीरे निकालो। कॉलम निकल गया आप लीजिए। यहाँ अंदर में एक स्क्रू रहती है, खोलना हो गया। आओ और काम है ना, दे दे एक एक क्लिप है, सबको बढ़िया से निकालो, फ्रेम से निकालो। हाँ निकाल लेंगे उसको, खाली इधर तो आने दीजिए नज़दीक। यहाँ ये वाला लॉक निकालो। तो बात नहीं क्या, आप ये छोड़े ना, लेकर नहीं होगा भैया, इंटरलॉक होगा यहाँ। धीरे धीरे निकालिए। तो ये 8 नंबर बोल्ट हो गई है, एक यहाँ 8 नंबर बोल्ट है, एक यहाँ 8 नंबर बोल्ट है। ये सब खोलना है आपको। ये ब्रैकेट ये खोल के हटाना पड़ेगा, 2 12 नंबर बोल्ट ऊपर है, नट नीचे है, इसे खोल के हटाना होगा। चलिए अब उसे बाहर करता हूँ। बाहर ये आपको कूलिंग कॉइल वाला पाइप खोल लेना है, पानी वाला पाइप खोल लेना, आपकी ब्लोवर बाहर हो जाएगी। चलिए मैं इसे दिखाता हूँ आपको। पकड़िए इसको। मेरा हमारा ब्लोवर निकल चुका है, चलिए अब इसे खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ। अब इसका कूलिंग कॉइल बाहर करता हूँ। इसका कूलिंग कॉइल लीक है, कूलिंग कॉइल चेंज करना।
सबसे पहले हीटिंग कोयल को बाहर कर लेना है, ठीक है, तब जाके कूलिंग कोयल बाहर आएगा। उसको रखो, उजला वाला जो था इसी में था। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कूलिंग कोयल बाहर कर लिया, कूलिंग कोयल लीक है। कपड़ा लाइए, कपड़ा गाड़ी में लाइए। हेलो दोस्तों, मैं सरफराज। इसका देखिए ब्लोवर फिटिंग हो चुका है, कूलिंग कोयल मैंने टाइट कर दिया नया, और अब फिटिंग हो रही है। सब फिटिंग कर रहा हूँ, बोल्ट सब जहाँ जहाँ खुला था। ये नट लगा लेता हूँ पहले, उसके बाद तब इसमें एयर भरूँगा, उसके बाद अब फिर पूरा प्रोसेस चलेगा फिटिंग का, तो फिर आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ तो दोस्तों, मैंने एयर भर दिया, आप देख सकते हैं 350-400 के आसपास मैंने हवा भर दी है, और इसे मैं लॉक कर दिया हूँ, और इसे कुछ 10-15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगा। ताकि होता क्या दोस्तों, इसे इसलिए एयर भर दिया हूँ कि फिटिंग से पहले, कि होता क्या फिटिंग के वक्त कुछ अगर लूज हो जाती है, जैसे रबर उबर लूज हो गई तो लीक होने की चांस ज़्यादा होती है, तो पहले लीक चेक कर लूँगा, उसके बाद फिर इसे पूरा डैशबोर्ड फिटिंग करूँगा। ठीक है दोस्तों।